was big one. दोस्तों नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। सो दोस्तों, अभी हाल ही में हम लोगों ने दिवाली सेलिब्रेशन की थी, दिवाली को सेलिब्रेट किया था इंडिया में और यहाँ पे भी यूके में। तो दोस्तों, आज जो यूके में जो है बहुत ही स्पेशल डे है, जो कि मतलब बिल्कुल दिवाली की तरह सेलिब्रेशन होता है यहाँ पे। इट्स कॉल्ड एज बॉनफायर नाइट दोस्तों। तो 5th of November यहाँ पे जो है वो बॉनफायर नाइट के नाम से फेमस है। और ये जो सेलिब्रेशन होता है यहाँ पे, क्या होता है गाइस, खूब सारे फायरवर्क्स होते हैं, मतलब अमेजिंग फायरवर्क्स आपको मिलेंगे। डिफरेंट डिफरेंट जो है वो इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं गाइस यहाँ पे। और इसमें क्या होता है, फायरवर्क्स ही नहीं, मतलब बॉनफायर्स भी लोग करते हैं। और मतलब बच्चों के लिए जो है बहुत सारी एक्टिविटीज, राइड्स और इवन मतलब फूड स्टॉल्स लगते हैं जगह जगह पे। मतलब आज का दिन जो है वो बहुत ही जो है वो मतलब बिल्कुल दिवाली जैसे सेलिब्रेट होता है यहाँ पे। और फायरवर्क्स के लिए मेनली ये बॉनफायर नाइट फेमस है, क्योंकि अलग अलग यहाँ पे मैंने बताया आपको जैसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें कि बॉनफायर नाइट करी जाती है। मतलब वहां पे अमेजिंग फायरवर्क्स यू गोना सी। सो आई विल बी शोइंग यू द अमेजिंग फायरवर्क्स ऑफ टुडे ऑल्सो, तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों, आज का जो डे है बेसिकली, इसको बॉनफायर नाइट जो है वो क्यों सेलिब्रेट होती है यहाँ पे, क्यों इतना सेलिब्रेशन हो रहा है, उसका रीजन है जैसे मतलब दिवाली दोस्तों हम लोग मनाते हैं, जैसे दिवाली का मेन पर्पस क्या है हमारा, मतलब कि जो बुराई है उस पे अच्छाई की जीत। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है दोस्तों। मतलब यहाँ पे जो है वो 5th of November को दोस्तों क्या प्लान था, मतलब जो है वो एक इट वॉज प्लान्ड बाय अ मैन कॉल्ड एज लाइक गाय फॉक्स। उसने क्या प्लानिंग करी थी, मतलब ही प्लान्ड अ ह्यूज मैसिव अटैक ऑन द पार्लियामेंट हाउस ऑफ लंडन गाइस। पार्लियामेंट हाउस ऑफ लंडन को उसने पूरा प्लान किया था कि पूरा ब्लो ऑफ कर देगा। और मतलब ही जस्ट प्लान टू ब्लो ऑफ किंग जेम्स वन वॉज देयर एट दैट विद हिज गवर्नमेंट। ही वॉन्ट टू ब्लो द होल पार्लियामेंट हाउस ऑफ लंडन बेसिकली, एंड मतलब वो उसका प्लान था, बट ही फेल्ड, मतलब वो फेल हो गया था पूरा उसका प्लान। एंड दिस गाय फॉक्स वॉज अरेस्टेड, and this that is why now this day is celebrated as a huge celebration। मतलब huge मतलब यहाँ पे celebration होता है, क्योंकि मतलब वो एक तरह से survival of the king मानते हैं यहाँ पे, मतलब कि पूरा जो parliament house है वो मतलब blow off होने से बच गया। तो इस that is why मतलब ये जो day है वो celebrate किया जाता है यहाँ। यहाँ पे खूब सारे fireworks होते हैं दोस्तों, तो ये bonfire night के नाम से famous है। तो आज bonfire night है 5th of November, और मतलब 400 years, मतलब इतने सालों से, मतलब हर साल यहाँ पे पूरे इंग्लैंड में ही नहीं, मतलब इवन इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, मतलब पूरे यूके में ये सेलिब्रेट की जाती है नाइट। और जो है यहाँ पे ह्यूज सेलिब्रेशन है गाइस। सो मैं आपको यहाँ पे फायरवर्क्स अभी दिखाने वाली हूँ, अभी हम बस निकलने ही वाले हैं फायरवर्क्स देखने के लिए। तो आई होप यू गोना लाइक दिस वीडियो, सो कीप वॉचिंग। सो गाइस, आर यू रेडी टू सी द बॉनफायर नाइट टुडे? सो लेट्स सी, लेट्स गो गाइस। ये स्टेडियम है, यहाँ पे फायरवर्क्स होने वाले हैं गाइस अभी कुछ ही देर में। सो गाइस, फायरवर्क्स गोना स्टार्ट। वाओ गाइस, आई एम नियर कोवेंट्री रग्बी स्टेडियम, यू कैन सी द फायरवर्क्स, ह्यूज क्राउड is there. अंग्रेजों की दिवाली है आज, आप देख सकते हैं, मतलब बिल्कुल खूब सारे पटाखे। मैंने पहले बताया था ये भी अंग्रेजों के लिए, ये भी बुराई पे अच्छाई की जीत है गाइस। आज के दिन जो है बहुत ही मतलब अमेजिंग जो है वो सर्वाइवल हुआ था, जैसे मैंने बताया था आपको। Thank you.
एक्वेरियम में कमेंट्री में एक के बाद एक तो ये पार्लियामेंट ऑफ लंदन गाइस, मतलब आज जो है वो मतलब बहुत बड़े मैसिव अटैक से जैसे मैंने बताया आपको बच गया था, तो उसी के जो है वो डे स्पेशली मतलब बॉनफायर नाइट के नाम से सेलिब्रेशन होता है यूके में। दिखाओ नायक सैटरडे है तो सैटरडे को मतलब एवरीबॉडी इज हेयर एंजॉय दिस नाइट। वीकेंड पे आ गए इस बार, ये वीकेंड पे आ गया है 5th of November यहाँ पे, तो ये बहुत मतलब और अच्छी बात है सबके लिए कि दे कैन एंजॉय दिस होल वीकेंड दिस बॉनफायर नाइट। और ठंड भी गाइस यहाँ पे मतलब अब जो है वो बहुत बढ़ने लगी है, मतलब आज की मतलब अभी 10 डिग्रीज है टेम्परेचर यहाँ पे यूके में, तो इस ठंड के मौसम में लोग निकले हुए हैं बाहर एंजॉय कर रहे हैं इस नाइट को। कॉन्टिन्यूसली मतलब फायरवर्क्स का होते ही जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलरफुल वंस यू कैन सी। हर साल तो यूके में ये जो है वो डे मनाया जाता है, मतलब और मतलब लास्ट 400 इयर्स से मतलब ये सेलिब्रेशन हो रहा है गाइस, मतलब ये जो बॉनफायर नाइट मनाई। और कितना सुंदर लग रहा है गाइस, अभी हम लोगों ने दिवाली सेलिब्रेट करी है, अब हम ये एक और दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे यूके में बॉनफायर नाइट पे। वाओ मतलब कॉन्टिन्यूसली गाइस मतलब रुक ही नहीं रहे हैं पटाखे तो बिल्कुल, और ये फायरवर्क एक के बाद एक। सुंदर लग रहा है गाइस, ये वाला बहुत अच्छा है, इतने ब्लो पूरा ऊपर तक जा रहा है और इतना बड़ा पूरा फैल के मतलब, और दो दो एक ही में, ये तो बहुत ही अच्छा है नया टेम्पल दीदी।
वॉट अ अमेजिंग फायर वर्क, मतलब इट वॉज रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस. तो फर्स्ट टाइम मतलब मैंने यूके में इतने फायर वर्क जो है वो यहाँ पे देखे हैं. मतलब ये बिल्कुल दिवाली है, मतलब इंग्लैंड की दिवाली या यूके की दिवाली कह सकते हो दोस्तों. यहाँ पे आपने भी देखा होगा तो यहाँ पे दोस्तों ये बॉन फायर नाइट जो है वो बहुत ही मतलब जो है वो फन एक्साइटमेंट के साथ मनाई जाती है. बिल्कुल जैसे हम लोग दिवाली मनाते हैं, यहाँ पे बॉन फायर नाइट मनाई जाती है दोस्तों. और अलग अलग जगह पे बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करे जाते हैं यहाँ पे. तो जैसे हम यहाँ पे एक प्लेस पे आए हैं, ऐसे हर जगह मतलब इस टाइम पे अलग अलग जो है वो जगह पे यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है, फायर वर्क्स हो रहे हैं एंड यू कैन एन्जॉय. सो आई होप यू गोना लव दिस वीडियो. सो कीप वॉचिंग एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एज I will be sharing more of these videos, like more of the interesting videos for you across UK. So this is Life in UK saying bye bye. Take care.